टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। चांद देखने के बाद रमजान का महीना शुरू हो गया है, ऐसे में लोग पहला रोज़ा रखने की तैयारी में जुट गए हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर और सोशल मीडिया के जरिए मुबारकबाद भी दे रहे हैं। ऐसे में ज़रूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की इस रमज़ान के मुबारक महीने में एक छोटी सी पहल की शुरुआत की है पीस चैरिटेबल ट्रस्ट ने। रमज़ान के शुरुआत में ही ज़रूरतमंद लोगों को खजूर और रूह अफ़ज़ा की शरबत बोतल दे इन लोगों को दिया जा रहा है। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ज़रूरतमंद लोगों के लिए रमज़ान के महीने में सहरी का भी इंतज़ाम किया गया है। इस ट्रस्ट के तरफ से ज़रूरतमंद लोगों को रजिस्टर किया जाता है और इन्हें सहरी का बंदोबस्त इनके लिए किया जाता है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो इस ट्रस्ट के चीफ आशिक गर्दी से संपर्क कर सकते हैं, जिनका नंबर है 9967000006, या फिर मुदस्सिर गर्दी से भी संपर्क कर सकते हैं, जिनका नंबर है 9833911015। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के चीफ आशिक गर्दी और मुदस्सिर गर्दी ने इस पर ज़्यादा जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लामुद्दीन भाई, आज रमज़ान का पहला दिन है, आज चांद होगा, इसलिए हम लोग ने पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट बनाए थे हमारे कुछ निडी लोगों के लिए, जिसमें खजूर और शरबत रखे थे। कम से कम 550 लोगों का था और सुबह से सहरी का इंतज़ाम होगा, वो सहरी का इंतज़ाम पूरा महीना रहेगा और कम से कम 500 से 550 लोगों का डेली रहेगा। इंशाल्लाह आखिरी अशरे में उससे ज़्यादा बढ़ेगा, 700 साढ़े 700 लोग भी होगा, 15,000 से ज़्यादा लोगों का हमारा टारगेट है पूरा रमज़ान। आशिक भाई, आप आज खजूर और शरबत तो बांटे हैं, लेकिन जो शहरी का प्रोग्राम आप बता रहे हैं जी, तो ख़ास तौर पर शहरी का शहरी लेने के लिए लोग कैसे आप रजिस्टर करते हैं उनको जी, और किस तरह से उन्हें शहरी आप पहुंचाने का काम करते हैं उसके बारे में बताएं, क्योंकि और भी ऐसे लोग हैं शहर में जो जिनको शहरी की काफ़ी ज़रूरत रहती है, तो कैसे वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखो, यहाँ से आप लोगों जब मालूमात देते हैं लोगों को, तो वो लोग खुद आते हैं यहाँ पे, उनकी हम लोग मालूमात लेके उनका नाम रजिस्टर किया जाता है, फिर उनके एक फैमिली में कितने मेंबर है वो पूछा जाता है, वो मेंबर के हिसाब से उनको, जैसा कि 2 लोग हैं 4 लोग हैं 5 लोग हैं, तो एक पर्सन को 4 शहरी 5 शहरी ऐसा दिया जाता है। कुछ मतलब आपके तरफ से कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है जो पब्लिक किया जा सकता है? जी जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9967900006, और भी 2-3 नंबर हमारे दिए हुए आपके पास दिए हुए हैं, वो नंबर भी है। मतलब जो वाकई ज़रूरतमंद है उन्हीं को पूछताछ करने के बाद ही आते हैं? जी 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 बिल्कुल, जो ज़रूरतमंद है उनको यहाँ बुला के हम लोग उनकी बाकायदा तहकीक करते हैं, तहकीक करके ही उनको दिया जाता है। और शहरी में क्या देने का बंदोबस्त आपने? शहरी में टोटल नॉनवेज है, जो शहरी हम लोग देते हैं ये नॉनवेज शहरी है, जैसा कि आज मटन पुलाव है, कल चिकन कोरमा है, ऐसा डेली मतलब अलग अलग तरह के खाने रहते हैं और टोटल नॉनवेज शहरी का खाना रहता है। मैं इस पर यही कहूँगा कि जो हमारा 2 साल से काम शुरू हुआ था वो आज 3रा साल उसका शुरू होने जा रहा है। आज भी हमारा एक प्रोग्राम था जिसमें हमने मुस्तहिकों तक शरबत और खजूर बांटे गए, तकरीबन 550 के ऊपर का ही काउंट था हमारा। और पिछले साल हमारा जो डेली सहरी का प्रोग्राम था वो मैक्सिमम गया था 500 से 600 तक, बट इस साल हमारा टारगेट है कि डेली वही टारगेट अचीव करना है और रमज़ान के आखिरी अशरे तक, यानी आखिरी 10 दिनों तक, तो वो इंशाल्लाह हमारी ऐसी कोशिश रहेगी कि वो 1,000 के ऊपर ही हो। और बाकी राशन किट का जो काम है वो भी हम इंशाल्लाह ये साल डबल पैमाने पे करने वाले हैं, और जो शिरकुरमा किट्स का जो देने का प्रोग्राम होता है वो भी इंशाल्लाह ये साल डबल ही होगा। देखिए, लास्ट 3 साल से 3रा साल है, 2 साल पहले ये शुरू हो गया, ये हमारे आशिक भाई ने शुरू किए, इन्होंने इनका फैमिली का कॉन्सेप्ट था तो मेरे को भी इसमें अटैच किए। तो अभी देखो, जब अच्छा काम होता है ना तो लोगों के साथ कौन करता है देखना नहीं चाहिए, क्या करता है देखना चाहिए, और लोग भी इसमें जुड़ गए, समझे। तो अभी लास्ट ईयर जितना हुआ, सिंस स्टार्ट में 2 साल पहले हुआ था, लास्ट ईयर उसके डबल हो गया और इंशाल्लाह इस साल उससे डबल हो जाएगा। आप हम लोग जो है ना सोशल मीडिया डे पे डे टू डे जो है ना वो अपना
रिपोर्ट जो है लोगों को देते हैं, ताकि जो डोनर है उनको भी, लोगों जो बेनिफिशियरी है उनको भी मालूम पड़े। और दूसरी बात, बेनिफिशियरी का पिक्चर वगैरह शेयर नहीं किया जाता है। रही बात प्रोडक्ट की, तो देखो डेली नॉन वेज रहता है, हर दिन मेन्यू बताया जाता है। एक दिन दाल गोश रहेगा तो दूसरे दिन कीमा पाव रहेगा, यानी हर दिन मेन्यू जो है ना वो अलग अलग रखते हैं, ताकि अलग अलग टेस्ट मिले और अच्छी क्वालिटी का खाना दिया जाता है।